हाँ गाइस सॉरी, मेरी स्क्रीन दिखना बंद हो गई थी। हाँ मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, बेटा देखो वैसे इन जनरल जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो बहुत रिएक्टिव नहीं होते हैं। उसी कारण से उनका नाम सैचुरेटेड है, वो सैचुरेट हो गए, अब रिएक्शन नहीं करना चाहते। तुम वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और नमक और पानी से मत देखो। ये सैचुरेटेड क्यों बुलाए जाते हैं? क्योंकि उनको और रिएक्ट नहीं करना रहता, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड वैसे फेयरली अनरिएक्टिव रहते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर आप क्लोरीन का उसको रिएक्ट करोगे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है वैसे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जैसा वाला है, पर तुम लोग फोटो डिकम्पोजिशन है, फोटोलिसिस है, यहाँ पे फोटो यानी आप सन को यूज कर रहे हो, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर वहाँ पे क्लोरीन अगर है, तो वो क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन को निकाल निकाल के खुद वो जगह लेना शुरू कर देता है। उसी कारण से नाम पड़ा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली होने क्या वाला है, मान लो आपका ये मीथेन था, आपका सनलाइट के प्रेजेंस में अगर क्लोरीन अगर आया है, गाइस क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप लोगों का सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन अगर आ गया, तो वो क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन को निकालेगा, खुद क्लोरीन यहां पे चिपक जाएगा। और तो एक क्लोरीन निकल गया, वहां का एक हाइड्रोजन निकल गया, तो बचा हुआ HCl रहेगा। आपने और क्लोरीन अगर अवेलेबल रखा है, तो मे बी ये वाला निकल जाएगा और HCl बन जाएगा बचा हुआ उसका। और क्लोरीन रखा है तो ये निकल के ये भी क्लोरीन बन जाएगा। ऐसे जितनी देर तक आप रखोगे, सट 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 करते 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 एक एक हाइड्रोजन निकलते जाएगा, उस जगह क्लोरीन लगते जाएगा। समझा? पक्का? सर ये अनसैचुरेटेड में भी होता है क्या? तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है। मैं जेन्युइनली आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। ये आई थिंक 11th या 12th में है, था मेरे को भी, मुझे याद नहीं है। बट मैं आप लोगों को कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चन एक बना के दे रहा हूँ। बट उसके पहले हम लोग प्लीज़ इसका फट से एक बार, ये वैसे सिर्फ ये इथेन में ही नहीं, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन जितने बड़ा रखोगे, जितने हाइड्रोजन है सब निकाल के फेंक देगा और खुद क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है ना। आप देखो एक बार हम लोग चारों रिएक्शंस देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाला, ऑक्सीडेशन वाला, अरे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन देख चुका है, वो ही था। सेकेंड अपन लोगों ने ऑक्सीडेशन देखा था, क्या हो रहा था, अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा था काय में, कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 या फिर प्लस हीट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट में। याद है किसी को इश्यूज है? पक्का? इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था बच्चा लोग, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देख लिया था, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में कुछ नहीं, वो क्या कर रहा था, ये अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बना रहा था इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? PD या फिर NI। और फिर हम लोगों ने आखिरी क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन प्रेजेंस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक एक हाइड्रोजन को निकाल के खुद लगना शुरू हो जाता था। अब एक क्वेश्चन जैसे ऐसे ही मैं रैंडमली आपको बना के बता रहा हूँ, मेरे पास में है C2H4, ठीक है। मैंने पहले PD के प्रेजेंस में खूब सारा हाइड्रोजन रखा है, तो वो कुछ X बना रहा है, ठीक है। फिर मैंने ये जो X बना था, खूब सारा क्लोरीन रखा है, खूब सारा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो मेरा Y बना है। मुझे Y का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के बता दो या केमिकल फॉर्मूला बता दो, ठीक है। तो सर देखो ये रिएक्शंस तुम लोगों कैसे आ सकते हैं, कोई स्ट्रेसफुल नहीं है यार। देखो क्या हो रहा है, C2H4 का PD के प्रेजेंस में हाइड्रोजन, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा मेरा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, जिसमें अनसैचुरेटेड काय में कन्वर्ट होता था सैचुरेटेड में। तो ये X मेरा क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। अब C2H6 को क्लोरीन के प्रेजेंस में, और क्लोरीन का रिएक्ट हो, खूब सारा क्लोरीन, इन्फाइनाइट क्लोरीन है मेरे पास, और सनलाइट है, तो एक एक हाइड्रोजन हटते जाएगा और क्लोरीन लगते जाएगा, तो बन जाएगा C2Cl6, सॉरी हाँ प्लस HCl भी, पर मैं वो मेरे लिए वो अभी वो नहीं था, मैं कार्बन कंपाउंड देखा था। समझ आया था क्या हुआ है गाइस, एक पूरे के पूरे हाइड्रोजन निकल गए, पूरे के पूरे क्लोरीन चिपक गए, यहाँ तक समझा आप लोगों को। तो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट योर केमिकल रिएक्शंस, जो बच्चों को डिफिकल्ट क्यों लगता है मुझे पता नहीं है, चार तो है यार और चारों फुद्दूस है, यहाँ तक ये बढ़िया है लाइफ अपनी, क्योंकि अपना है 15 मिनट टाइम, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल है आगे का पार्ट भी। देखो आप लोगों को याद है
आपको मैंने अल्कोहल के समय बताया था एक एडिबल अल्कोहल होता है हमारा कौन सा, इथेनॉल, फॉर्मूला C2H6 है। हाँ ये तो सब लोग जानते हो कि रूम टेम्परेचर पे कौन सा रहता है स्टेट इसका, लिक्विड रहता है वो, ठीक है। इसका बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा लो होता है, ठीक है। ये कॉमन नेम इथेनॉल का अल्कोहल होता है। ये हम लोग जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाते हैं, वॉटका बोलो, बियर बोलो, विस्की बोलो, कुछ बोलो, उसके अंदर आपको ये प्रेजेंट मिलने वाला है। क्या ये पानी में सोल्यूबल होता है क्या? हाँ सर ऑब्वियसली, अच्छा खासा सोल्यूबल होता है, किसी भी रेशियो में सोल्यूबल होता है, ऐसा नहीं कि सैचुरेट हो जाएगा, नहीं। तुम लोगों ने थोड़ा सा अल्कोहल 1 करोड़ लीटर पानी में मिला दिया या 1 करोड़ लीटर अल्कोहल में थोड़ा सा पानी मिला दिया, वो रेशो कोई भी हो, आप लोगों का मस्त मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मजाक होना शुरू होता है बेटा, यूसेज इसका मेडिसिनल पर्पसेस, रोकड़े अलग खुश हो रही है बेटा। देखिए ये आप लोग अल्कोहल एक्चुअल में मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, अपन करते नहीं, वो अलग बात है घर पे, पर वो होता है। जैसे आप लोगों ने बचपन में वो कुछ कफ सिरप वफ सिरप में वगैरह देखा होगा, ठीक है, वो कैसे होता है वो नहीं है, बट वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट, कंजम्पशन ऑफ रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, मतलब ये जो दारू पीते हैं जो बोलते हैं हम लोग ना, ये वो चीज़ के लिए। पर एक चीज़ सुन लो, आप लोगों ने गाइस शांत शांत शांत, कभी कोई अल्कोहल की बॉटल्स अगर आप उठाओगे, बीट बियर और वॉटका, आप अगर उसके पीछे पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था, V-V इज इक्वल टू मे बी 8%। बेटा इसका मतलब क्या होता है? बेटा ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो एक होता है, कितनी पानी की मिलावट है। अबे ये दूध वाली मिलावट नहीं है कि ख़राब कर रहा है वो, नहीं, वो उसी रेशियो में रखा हुआ है। इसीलिए बियर या फिर जो बचपन में आप लोग शुरू करते हो कैसे, हाँ ब्रीजर जिसने बोला, हाँ इनका आपका शुरू हो चुका है ना यहाँ बेटा, ब्रीजर ब्रीजर शुरू करते हो ना उसके अंदर, आई एम नॉट रियली श्योर, हमने बच्चों वाली चीज़ें पी नहीं कभी, 3-4% से स्टार्ट होता होगा मे बी उसके अंदर। तो तुम एक आधा पी लो, ठीक है, तो एकदम चढ़ गई वाला सीन नहीं आएगा उसके अंदर। वो बियर 8%, तो उसमें एक आधा पी लो तो कंपेरेटिवली ज़्यादा चढ़ गई वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद में और जब इंसान और बड़ा होता है, जब उसमें और मस्ती छाती है, तो वॉडका विस्की चीज़ों पर शिफ्ट होता है वो। इनका अल्कोहल कंटेंट और 30% 40% वगैरह रहता है, तो ये भी हम नीट नहीं पीते हैं कि जो दिया है बॉटल तक मुंह लगाए गड़गड़ पी के, नहीं, तो वाटर में हम लोग ऐड करके पीते हैं, ठीक है। तो वो स्टिल वो 30% को वाटर में भी ऐड करके करोगे तो मे बी वो 15% तक कुछ पहुँचेगा, आई एम नॉट रियली श्योर क्या रहता है उसका, ठीक है। स्टिल वो बियर वगैरह ज़्यादा होता है। अगर मान लो मैंने प्योर अल्कोहल, बिल्कुल प्योर, जिसमें पहले से पानी मिला हुआ नहीं है, वो पी लिया, तो बेटा लीथल रहता है, मर सकता हूँ उससे, क्लियरली इजीली मर सकता हूँ मैं। रादर अगर मान लो मैंने विस्की, जो कि पहले से कुछ 30-40-45-48-50 जो भी परसेंट होता होगा मुझे नहीं पता है, ठीक है, वो भी अगर कोरी पी ली खूब सारी मैंने, तो भी मैं इजीली मर सकता हूँ। मेरे को चढ़ गई उसके कारण मैं जाके एक ट्रक के सामने खड़े हो जाऊँगा, वैसा वाला मरना नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप लोगों का अंदर इंटरनल बर्निंग्स होना शुरू हो जाता है, आप उसके कारण ईजिली मर सकते हो, वॉमिट होना शुरू हो जाता है, वो आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देती है, वो सब चीज़ है। बट स्टिल ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्योर इथेनॉल जो रहता है जिसमें कोई मिलावट नहीं थे, थोड़ा भी पी लिया तो मैं मर सकता हूँ। अब प्लीज़ चांद, हाँ प्लीज़, वही 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 ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ये इथेनॉल जो रहता है ना वो इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, ठीक है, बट इंडस्ट्रीज में जिससे इसका मिसयूज़ ना हो, इसके लिए इसमें कुछ मिलावट की जाती है, पानी ही नहीं है उसमें, जहर मिलाया जाता है। अब जहर भी चूहे मारने वाली दवाई वाला जहर नहीं, सिंपल सा मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल में भी अगर मैं मिला दूंगा तो उसमें भी एटलीस्ट कुछ तो ताकत रहेगी, चढ़ाने की नहीं बेटा, इंडस्ट्री के अंदर यूज करने के लिए, तो मेरा वो मिलावट से खराब नहीं होगी मशीन, तो मैं मिथेनॉल मिला देता हूँ जो कि पॉइजनस है, और साथ ही साथ मैं एक डाई मिला देता हूँ कि भाई मिलावट की है मत पीना मर जाओगे, ठीक है। इसको बोलते हैं डी नेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। लास्ट यूज उसका है, इट इज़ यूज एज एडिटिव इन फ्यूल्स, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है ये वही रहता है कि नहीं रहता है, बट अल्कोहल परसेंट अगर बढ़ता है पेट्रोल के अंदर तो इट इज़ बेटर, ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है। अभी रिसेंटली ये BS करके कुछ होता है, BS4, BS5, BS6 जो व्हीकल्स के लिए होता है, भारत स्टैंडर्ड या कुछ तो भी है, मुझे ध्यान नहीं, मैंने न्यूज़ में पढ़ा तो था, तो उसी इसमें पढ़ा था कि अब ऐसा चल रहा है कि अल्कोहल
को और बढ़ा के 8% कंपल्सरीली कर दिया जाएगा फ्यूल्स में। अब नॉट रियली श्योर वो एग्जैक्टली क्यों करते हैं, बट वो कुछ तो भी हो रहा है। डज इट मेक इट मोर क्लीन फ्यूल को, आई एम नॉट श्योर। डज इट मेक इट मोर इफेक्टिव, आई एम नॉट श्योर। बट ऑब्वियसली वो महंगा जरूर कर देता होगा, इसी कारण से वो थोड़ा 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 करके बढ़ा रहे, वरना अगर सस्ता रहता तो लोग भगा भग मिला दिए होते। बट दैट इज माई रैंडम गैसेज, आई एम नॉट श्योर। मैंने कोई पेपर में पढ़ा था, उसी कारण से शुगर फैक्ट्रीज जो थी उनको बहुत फ़ायदा होने वाला था शुगर केन फैक्ट्रीज को, क्योंकि अगेन वो शुगर केन से ही ये बैगेज वैगेज जो भी होता है, बैगेज जो भी होता है उससे बनता है। बट नॉट गेटिंग इन टू इट। तो देखो, आपने बेसिकली आपको फॉर्मूला था C2H5OH। सर इसने कितना अजीब लिखा हुआ है, अरे वो ये दूसरा तरीका है लिखने का, CH3CH2OH। तुम C2H5OH भी लिखोगे चल जाएगा। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट लो है, पानी के अंदर धमाधम सॉल्यूबल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजेस मेडिकल पर्पसेस है, पता नहीं कंजम्पशन फॉर रिक्रिएशनल पर्पस है, इंडस्ट्रियल पर्पस है, और वो फ्यूल के इसमें एडिटिव इन फ्यूल्स यूज होता है। अब हम लोग आते हैं इसके कुछ रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला रिएक्शन बेटा, अगर मान लो मैंने इसको इथेनॉल को सोडियम का रिएक्ट किया, तो देखो ये वाला रिएक्शन मैं आप लोगों को रादर ऐसे कर बता देता हूँ, CH3CH2OH प्लस मैंने अगर सोडियम लेके आया तो कुछ नहीं, वो ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, कोई भी रैंडम हाइड्रोजन नहीं, वो वाला हाइड्रोजन को निकाल के खुद यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है ना, प्लस H2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, फाइन। ये रिएक्शन आपको बताना चाहिए, इसका नाम सोडियम इथॉक्साइड होता है, ठीक है ना, सोडियम इथॉक्साइड। अगर मैंने अल्कोहल को सोडियम का रिएक्ट किया, जो ऑक्सीजन का चिपका हुआ हाइड्रोजन था ना, वो निकल जाएगा और ये लग जाएगा, क्या बोलेगा उसे, सोडियम इथॉक्साइड। सिंपल सा, वो नीचे अपन लोगों ने बैलेंस किया हुआ हिच। किसी को कोई इशू इस चीज में, पक्का। नेक्स्ट, एक और जो आज के लिए हम लोग आखिरी रिएक्शन देखने वाले, बट इसके बाद में एक मस्त चेन ऑफ रिएक्शन दिखाऊंगा तुम लोगों को। अगर मैंने यही अल्कोहल को एक्सेसिव हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट किया, देखो हॉट है ना 443 केल्विन के साथ में, तो वो उसको डिहाइड्रेट कर देगा। सर डिहाइड्रेट कर देगा मतलब उसका पानी चूस लेगा, सर मतलब क्या, तो ये देख लो, यहीं पे देख लो, या फिर तुमको फॉर्मूला दिखता रह जाएगा। ये देखो CHHH CHHOH, पानी चूस लेगा, मतलब ये चूस लिया उसने, ये हट गया यहाँ से। अब तो C2H4 हो रहा है बेसिकली देखा जाए तो, C2H4 अगर बनना है तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं, ये ऐसा हो जाएगा। तुम लोगों को मैकेनिज्म्स नहीं है, मैं जस्ट तुमको बता रहा हूँ। 11th 12th में का पाप करते हो गलती से भी साइंस लेने का, बीट बायो वाला लो या केमिस्ट्री मैथ्स वाला लो, रोगे बट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है उसका, बायो मुझे आइडिया नहीं है, मैथ्स बहुत अच्छा है अगेन, बट स्टिल जस्ट बता रहा हूँ तुम लोगों को। गेटिंग बैक अगेन, अगर अल्कोहल को एक्सेस हॉट कॉन्सेंट्रेटेड क्या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करो, मतलब कितना टेम्परेचर 443 केल्विन पे, तो उसको डिहाइड्रेट कर देगा, मतलब उसका पानी वो चूस लेगा। यहाँ से समझा आप लोगों को क्या हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं तुम लोगों को एक रैंडम चीज़ बता रहा हूँ, मैंने बोल दिया मेरा एक एक्स कंपाउंड है, ठीक है, जो कि अल्कोहल के सेकेंड सबसे सेकेंड वाला यानी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का सेकेंड कंपाउंड होता है, उसमें मैंने हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है एट नियरली 443 केल्विन, तो मेरा वाई बन रहा था, ठीक है। फिर इस वाई को मैंने PD के प्रेजेंस में खूब सारा हाइड्रोजन दिया था, तो मेरा Z बन रहा था, इस Z को मैंने बर्न कर दिया तो मेरा A बन रहा होता। बट अगर मैंने Z को बर्न करने की जगह इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दिया होता तो क्या होता, ठीक है ना। सुनो, कोई है जो आंसर करना चाहेगा पूरे, श्रिया स्टार्ट हो जा। हाँ तू, तुम्हें तब देख लिया, मैंने पकड़ लिया। हाँ X बेटा, ये है तेरा सेकेंड कंपाउंड ऑफ अल्कोहल, ट्राई कर। ये कौन सा, इथेनॉल, ये तो ईजी था, C2H5OH, ये सही है।
इसको मैंने हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो एक्सेस क्वांटिटी में था उसको 443 केल्विन पे मैंने बर्न किया है, तो क्या होने वाला है? परफेक्ट सर, वो डिहाइड्रेट होकर C2H4 बन चुका है। इन प्रेजेंस ऑफ पीडी या हाइड्रो पीडी और हाइड्रोजन था, सफिशियंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सब कुछ है, तो मेरा जेड बन रहा था। तो जेड क्या है बेटा? मेरा एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, करेक्ट। तो वो अनसैचुरेटेड काई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो बन जाएगा तेरा C2H6। ठीक है, अगर इसको मैं बर्न करूंगा, ये बेटा ये तो सबसे पहला रहा था, देखो इसको बर्न किया था मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा था मेरा, प्लस हीट एंड लाइट आ रहा था। ठीक है, एक सेकंड अभी खेल गया। हाँ सौम्या, ये वाले में क्या हो जाएगा? गुड, सब जगह जाके क्लोरीन चिपक जाएगा। गलत आंसर है। क्यों? नहीं मेरी माँ, अरे सनलाइट नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान रखा करो, अगर सनलाइट है तो ही वो होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सनलाइट अगर होता तो ये C2Cl6 हो जाएगा। अब तुमको इतना बड़ा नहीं पूछने वाला है, बट अगर तुम ये सब चीजें कर पा रहे हो, मतलब आपको सब के सब रिएक्शंस याद है। देखो सबसे पहले ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे, CO2H2O बनने वाला है। ठीक है, यहाँ तक है कंबशन रिएक्शन जैसा था। सेकेंड वाला अपन लोगों ने क्या देख लिया था? हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लिया था हम लोगों ने। अल्कोहल से वो काई में कन्वर्ट कर सकते थे उसको अपन लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये हो गया था। नेक्स्ट अपन लोगों ने क्या देखा था? एडिशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में। उसके बाद में हमने कौन सा देखा था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन निकाल क्लोरीन डाल, बट सबके कंडीशन ध्यान रखना अपने को, इन प्रेजेंस सनलाइट वगैरह जैसे जो भी थे, जैसे आप तुम्हारा वो भी जो था ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी जो था वो किसके प्रेजेंट में था? अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। उसके सिवाय जो हमारा एडिशन रिएक्शन जो था वो PD या NI के प्रेजेंस में होने वाला था। फिर हम लोगों ने अल्कोहल के बारे में देख लिया, अल्कोहल के हमने दो रिएक्शन देख रहे थे, कौन से रिएक्शन देख रहे थे? सोडियम के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, और वही अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, कितना 443 के इसमें खूब खूब सारा, तो डिहाइड्रेट करके वाटर निकाल देगा उसका, वो चीज़ हम लोगों ने देखा था। समझा यहाँ तक क्या क्या हुआ है गाइस? प्रिटी पॉसिबल कल के 45 मिनट में हम लोग शायद से चैप्टर खत्म कर ले, बट हम लोग पहले एक रिविजन जरूर सा लेंगे, ये चीज़ें देखेंगे हम लोग। इसमें एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बहुत सिंपल सी है अगर समझ गई तो, बची हुई दो आप देख चुके हो, और फिर हम लोग सोप स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय गाइस।